हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम हिस्टामिन के बारे में बात करेंगे कि हमारा हिस्टामिन क्या होता है। ठीक है, देखो हिस्टामिन जो वर्ड है ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, पहला है हिस्टोस और सेकंड है अमीन। ठीक है, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू और अमीन का मतलब होता है अमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप हमारा। ठीक है, तो हिस्टामिन का मतलब क्या हो गया? हिस्टामिन का मतलब हो गया टिश्यू अमीन। ठीक है, कि वो केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है और वो टिश्यू के द्वारा बनाया जा रहा है उसको हम कहते हैं हिस्टामिन। ठीक है, ये हिस्टामिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत से सेल्स होते हैं जो कि हमारे हिस्टामिन्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में? तो हिस्टामिन इट इज़ अ मीडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड टिश्यू इंजरी। ये हाइपर सेंसिटिविटी का मीडिएटर है। हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस। देखो आपने सुना होगा कि भाई बहुत लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है, किसी को फूल से एलर्जी होती है, किसी को भाई घास से एलर्जी होती है, किसी को तो इंसानों से भी एलर्जी होती है। ठीक है, तो जो एलर्जी की रिएक्शंस होती है ना वो हिस्टामिन ही करता है। ठीक है, हिस्टामिन हमारी एलर्जिक रिएक्शंस में मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, अब हिस्टामिन की जो फार्माकोलॉजी थी कि हिस्टामिन काम कैसे करता है, तो फार्माकोलॉजी थी हिस्टामिन की, वो स्टडी की थी एक साइंटिस्ट ने, इन साइंटिस्ट का नाम था डेल। ठीक है, ये वर्ड हमारा आ जाता है कि भाई कि किसने फार्माकोलॉजी स्टडी की थी हिस्टामिन की, तो वो डेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिस्टामिन हमारा बनता कहाँ कहाँ पे है, हिस्टामिन की स्टोरेज होती कहाँ पे है, कि हिस्टामिन कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हिस्टामिन हमारे दो टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होता है। पहले होते हैं हमारे मस्त सेल्स। ठीक है, मस्त सेल्स हमारे वो मास्त सेल कह लो या मस्त सेल कह लो, ये हमारे वो सेल्स होते हैं जो कि मस्त रहते हैं। ठीक है, और मतलब कि आप जब तक मस्त हो ये सेल भी मस्त रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपके अंदर कोई भी दिक्कत हो जाएगी, किसी तरह की एलर्जी हो जाएगी, तो मस्त सेल क्या करते हैं, ये हिस्टामिन रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, मस्त सेल स्लो प्रोडक्शन करते हैं हिस्टामिन का। कैसा प्रोडक्शन? स्लो मतलब इनमें कम प्रोडक्शन होता है हिस्टामिन का। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्किन में, लंग्स में, लिवर में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। ठीक है, वहीं दूसरे होते हैं नॉन मस्त सेल जिसमें हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है, इनमें फास्ट प्रोडक्शन होता है हिस्टामिन का। ठीक है, रेट इनमें हाई होगा। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, एपिडर्मिस में और म्यूकोसा में। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा दोनों में। ठीक, तो ये थी बात हमारी हिस्टामिन के बारे में।